अस्सलाम वालेकुम तो हाय गाइस कैसे हो तो आप लोग आ गए मैं कॉल ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की वीडियो करता हूं सब ठीक ठाक होंगे हेल्दी होंगे मजे होंगे जाएंगे खुश होंगे एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को आप देख सकते हो फिर से मैं लिविक खेल रहा हूं क्योंकि यार आप लोगों ने क्या तबाही मचा दी भाई इतने लाइक्स इतनी जल्दी कर दिए था हमारा चैलेंज पूरा इससे मुझे आइडिया हो गया कि आपको लिविक से कितना प्यार है और आज हम हैं आपके फेवरेट डुओ के साथ मोस्ट वांटेड डुओ के साथ जो डुओ मेरे चैनल पे आपको सबसे सब ज्यादा सब नजर आया होगा बाजी ठोक दो फोड़ दो लाइक बटन सस्ती शायरी सुनाएंगे कि सूरज चला जाता है चांद तारे निकल आते हैं रात को बोलो वाह 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 सूरज सूरज चला जाता है चांद तारे निकल आते हैं रात को हाथ धोने के नहीं गलत नहीं हो गया खैर दोबारा बोलूँगा भाई खैर है देखो तो गलती होती रहती है ठीक है कोई बात नहीं सूरज चले जाता है चांद तारे निकल आते हैं रात को धोने के बाद हम सब सूं के देखते हैं हाथ को सस्ती शायरी विद अनानी बाबा जी तो ठोकर लाइक बटन मेरी अनानी कैसा है ही नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आना मतलब तो जब हम हाथ धो हाँ लेते ना हम इसको सूंघ के देखते हैं सूंघ के साबुन की खुशबू आ रही होती है वो हमें अच्छे लगते हैं इज इट ट्रू अभी मैं साबुन से हाथ धो रहा था तो मैंने इसी पर सस्ती शायरी बना दी भाई वाह 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 अरबी आई थी पब्लिक और अरबियों को उतरते जो आपके अनोन ने धोया आ हा 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 क्या वन वी फोर था आप सब इस, इस इस इसके बाद ना इस वीडियो को शेयर करने में लाजमी मजबूर हो जाओगे मुझे पब्लिक कुछ भी करके भाई इस वीडियो पे 5000 शेयर चाहिए पाँच हज़ार लोगों ने जल्दी से देखते इसको शेयर कर देना और जैसे यहां मैं उतरता हूँ यहाँ पे मैंने देखा भाई ये बंदा भाग रहा था इसको मैंने नॉक किया ठीक है ऊपर मेरे टीम को ये बंदा नॉक फिनिश कर देता है मेरी गन रिलोड पर नहीं जाती मुझे लगता है चली गए भाई यहाँ मैं थोड़ा सा फंस गया था अब वाकई में रीलोड पर चली जाती है और ये इस बंदे की भी रिलोड पर गन चली जाती है बट मैं उससे पहले रिलोट करके इसको डाउन कर देता हूँ अब पब्लिक मोहम्मद भाई को हमने डाउन कर दिया नीचे से उनका टीम भी आ रहा होता है तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास हेलमेट वैसे नहीं है और मेरे पास

एक सेकंड में नेट फेंकते तो हैं और बोम चार की चार किल मिल जाते हैं बाबा जी ऐसे हमने पूरा का पूरा अरबी स्क्वाड वाइप कर दिया तो ठोक देना फोड़ देना दबा देना लाइक बटन मेरी नॉलेज खोल गया मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्क्वाड वाइप कैसा लगा क्योंकि आपका प्यार आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है लाजमी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पब्लिक उसके बाद हम जो है फ़ौरन से आ जाते हैं रिकॉल टावर पर क्योंकि आपको पता है बहुत से अनॉनीमस पब्लिक जो है वो आजकल गायब गायब है तो आप सब अगर वीडियो को शेयर करोगे सारी पब्लिक के साथ तो हो सकता है हमारी थोड़ी बहुत पब्लिक वापस से चैनल पर आज उनको बताओ यार अनॉमस भाई लिविक खेल रहे हैं कल भी लिविक खेला था आज भी लिविक खेला था और मुश्किल मुश्किल चैलेंजेस भी कर रहे हैं तो शायद आप हमारी अनॉनीमस की पब्लिक जो शायद गुम हो चुकी है हमने ऐलान करवाया था उनका क्या एक ज़रूरी ऐलान सुनिए अनॉनीमस की पब्लिक जो कहती थी के वो हमेशा चैनल पे रहेगी हमेशा मुबीन भाई का साथ देगी वो कुछ भी पोस्ट करेंगे तो दिखेगी वो आजकल नजर नहीं आ रही है बरा मेहरबानी जिसको मिले वो स्टार अनोनिमस के चैनल पर भेज दे आमीन तुम आमीन अब पब्लिक यहाँ पे मैं आता हूँ बैट और यहाँ पे कोई भी नहीं होता तो भाई थोड़ा सा वेट करते हैं गन में लोट करते हैं अपनी टीम को रिकॉल कर चुका था तो उनको हल्की फुल्की लूट भी करनी थी तो वो लूट कर ली तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं भाई हमें यहाँ से जाना चाहिए और बंदों को ढूंढना चाहिए पब्लिक ये एक ही स्क्वाड वाइप नहीं किया भाई आपने जैसे देखा कॉन्क्रोन की लॉबी आई हुई थी और अपग्रेडेड गन्स वाले अरबी प्लेयर्स भी आए हुए थे तो हम हल्के में नहीं लेने वाले उनको उनकी बैंड बजाना जरूरी थी बाइक उठाई निकल गए बंदे ढूंढने के लिए कि जहां मिले उनकी वहां पे बैंड हमें बजानी है ज्यादा दूर नहीं आना पड़ता छोटा सा मैप मैपे बंदे बंदे आपको मिल जाते हैं लेकिन पब्लिक अगर ये सो बंदों का मैप होता ओए बोताओ हो, हो, हो क्या तो मजा आता है कि नहीं तो पब्लिक आप बताओ यस या नो अगर आप चाहते हो कि ये मैप सो बंदों का हो जाए तो यस अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है तो नो कॉमेंट कर देना बाबा जी अब पब्लिक यहाँ पे भी टीम दोनों को बंदों को स्पॉट कर लेते हैं बंदा भागता नजर आता है तो मैं राइट साइड आ जाता हूँ

वो तो यहाँ पे अटक गया था और नीचे गिर गया था ये अच्छा हो गया मैंने यहाँ पे इसको भी डाउन कर दिया मार के टी वन लकी को ये पाकिस्तानी था जल्दी जल्दी इनकी लूट की पब्लिक क्या तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था इतनी अच्छी लूट मिली थी फालतू तो चीज़ें मैंने गिरा दी बैग से और यहां पर आता हूँ तो मुझे 50 का एक्सटेंडेड मैग भी मिल जाता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है 50 वाला एक्सटेंडेड मैग क्योंकि इसका यह फायदा होता है क्लोज में आप दो से तीन बंदे एक ही मैगजीन में डाउन कर सकते हो इस वजह से पब्लिक में 50 का मैग लगा लेता हूँ पर जैसे मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ पब्लिक मुझे ना गाड़ी का साउंड आता है मैं टैप टैप देता हूँ कि शायद यह आ जाए लेकिन वो शायद रिकॉल करने जा रहा था फिर भाई मुझे शॉट्स पड़े और वो बंदा जो था वो भाई साहब सामने वाली छत पर चढ़ा हुआ था और वो दोबारा से आता है मुझे मारता है उसके पास एम्फर ग्लेशियर है पब्लिक अपग्रेडेड भाई साहब अब शायद ग्लेशियर थी या दूसरी गन थी पर वो मैक्स है और मुझे

अल्लाह 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 होक ये केल ईगल को मैंने पहले भी डाउन किया था रिकॉल हो गया वापस से आ गया था इसको मैंने फिनिश किया मेरी टीम दोबारा से नॉक हो चुकी है वो बंदा सामने आ चुका है पर पब्लिक मुसीबत 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 यहाँ हम इतना बुरा फंसते हैं कि राइट से भी एक बंदा आपने शायद स्पॉट किया मैं यहाँ पर हील लगा रहा था राइट साइड भी उनका एक बंदा बैठा हुआ है और उसने शायद अभी तक हमें स्पॉट नहीं किया था कि खैर मैंने यहाँ पर एक स्मोक किया पब्लिक उसके बाद अपने टीममेट को रब दे रहा होता हूँ पर वो राइट वाला बंदा शायद हमें स्पॉट अब तक कर चुका होता है के सोलो ही इनका नाम था और अमेरिका से ये ताल्लुक रखते थे ये ताल्लुक अमेरिका से रखते थे इनका पाला जो है वो पाकिस्तानियों से पड़ गया था तो मैं यहाँ पे फिर से ही बंदा ओ भाई साहब राइट वाली साइड से पड़ती है तो मैंने नेट पब्लिक यहाँ पे कैंसिल किया गन निकाली मेरी हेल्थ कम हो चुकी है मैं वापस से के दूसरी साइड पे आया मेरी टीममेट को नॉक पड़ चुका है यहाँ पे क्योंकि उनकी हेल्थ पूरी नहीं हो रही बार बार बेचारे को नॉक किया जा रहा है यहाँ पे मैंने फौरन से फर्स्ट एड लगाया पब्लिक को डिसाइड किया कि जो क्लोज वाला है, इसको पहले डाउन करना पड़ेगा उसके बाद दूर वाले बंदे से पंगा लेंगे भाई हम इससे मैं वनी वन लेता हूँ पब्लिक यहाँ पर और इसके पास हार्ड एडवांटेज होता है पर मैं इसको डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ और ये बेचारा इतना चौक कर देता है मैं फ़ौरन से इसको फिनिश करता हूँ उसके बाद पब्लिक अब बारी है दूसरे बंदे पर फोकस करने की और वो बंदा भी शायद से मुझे पुश कर रहा था साउंड मुझे आ रहा था ये पब्लिक मैंने कैसा मारा उसको ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वाला किल मेरा फेवरेट था दिल गार्डन गार्डन हो गया मैंने फॉरन से सामने से निकल के उसको डाउन किया ये भी के एल जील करके कुछ नाम था उसी का टीममेट था और फिलीपींस से इनका ताल्लुक था लेकिन हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से और इनका पाकिस्तानियों से पाला पड़ा था तो भाई हमने इनको डाउन किया यहाँ पे पब्लिक उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ मुझे जोन में चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉक हुए थे इनका एक बंदा कहीं भी बैठा हो सकता है और मानो ना मानो पब्लिक अगर सैनिक के बाद कैंपर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं तो वो लिविक में मिलते हैं ये है या नहीं है तो आप इसका भी हाँ भाई कैंपर मिलते हैं या नहीं भाई कैंपर नहीं मिलते इसका कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट कर देना यार मैं तो आपसे गपशप लगाता हूँ गपशप लगाने के साथ साथ आपको बोलता हूँ भाई ये कॉमेंट कर देना ताकि हमारी इंट्रैक्शन बढ़े और आप लोग कमेंट ही नहीं करते बड़ा गलत काम करते हो ऐसा मैं बता रहा हूँ अंधेरे में जा रहे हो और गोबर में चप्पल चली जाएगी आपकी एक पाउंस आपके बदबू आएगी जब तक आप घर नहीं चले जाते ऐसी बदबुआ में दे रहा हूँ आपको लाल मजाक कर रहा हूँ आप लोग उसके बाद भाग के आपका नॉन जोन में जाने लगता है और जोन में जाते जाते, जाते ना पब्लिक सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है और उस बंदे के पास कैस करो कौन सी गंदी भाई उसके पास थी एम के फोर्टीन जो कि क्लोज में बहुत अच्छी गन है वो भी मुझे स्कॉट कर लेता है मैं उसको डाउन करने की ट्राई करता हूँ एक अच्छा वनी वन हो रहा था भाई मेरे यहाँ पे और कवर में पड़ी थी मुझे ये और मैं फ़ौरन से डी निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरी ए एम की एम काफ़ी कम हो चुकी है घुमा घुमा के मैंने इस बंदे को डाउन कर दिया पब्लिक यहाँ पर तूफ़ान को डाउन किया और तूफ़ान के भाई देखो जब सुनामी आ जाए ना तो तूफ़ान का कुछ नहीं होता आगे है भाई पब्लिक भाई तूफान का मुकाबला तो सुनामी कर सकती है ना तो हमने यहाँ पर अपने आप को सुनामी कह दिया उसके बाद यहाँ पे आ मैंने लूट किया पब्लिक फ़ौरन से बट अचानक से मुझे साउंड आता है कि मेरी बैक साइड पे अलग बंदा है भाई साहब जान निकल जाती है मैंने फ़ौरन से पब्लिक यहाँ पर जो है पत्थर का कवर लिया और मुझे एक आइडिया हो चुका था कि वो बंदा उसी पत्थर के पीछे है तो मैंने एक नेट निकाला नेट कुक किया तीन सेकंड में नेट फेंका और एक और नेट था वो भी निकाला और ये भी पब्लिक थोड़ा सा कुक करके नेट फेंका पहले नेट फटने से मुझे पहले वाला नेट फटने से मुझे आइडिया हो गया था उसकी हेल्थ कम हो गई है पब्लिक तो मैंने वहाँ पे रश कर दिया ये भी नेट ठीक फटा उसकी हेल्थ और कम हो गई है तो ये एक अच्छा मौका है रश करने का पब्लिक मैंने रश कर दिया और भाई साहब पत्थर पास आ के पास आके मैंने उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके डाउन कर दिया बेचारी की हेल्थ वैसी कम थी ये भी रिकॉल होके आया था टी वन लकी और लकी भाई को हमने डाउन कर दिया पब्लिक मैं नीचे सामने वाले घर में चला जाता हूँ और जैसे घर में जाता हूँ मुझे बंदे का ना यहाँ पे साउंड आता है साउंड आता है कि वो पीछे वॉल पे बैठा है बट मुझे जोन में जाना था भाई लिविंग इतना छोड़ा मैं फिर भी जोन मुझे इतना तंग कर रहा था मैं पब्लिक जोन में जाते 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 बस पूरे पूरे टाइम मैं जोन में भागता रहा एक जोन में गया वहाँ से दूसरे जोन में गया वहां से तीसरे जोन में गया मेरी मेरी वॉल थी भाई जोन में चले जाए ये बेटर है क्योंकि एक अच्छा गेम प्ले बन चुका था हमारा और यहाँ पे जोन के बाहर फाइट लेना वो भी उस बंदे से जिसकी पोजिशन भी आपको सही से नहीं पता बेवकूफ़ी है इसलिए आपका नॉनवेस निकल गया इसी बात पर ठोक देना फोड़ देना दबा देना लाइक बटन मेरी नॉन्वे पब्लिक बाद में यहाँ पर एक और